स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का जो एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशन डेज अब बिल्कुल आपके नियर हैं और आपको एनालिटिकल पैराग्राफ करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें ना तो ज़्यादा आपका टाइम लगेगा और आपका जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की तरफ। देखिए, एनालिटिकल पैराग्राफ, स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका अर्थ जानना होता है, तो आज भी हम इसका अर्थ ही जानेंगे। आप सभी को पता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये एनालिटिकल पैराग्राफ भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन जो स्थिति है, जो मजबूरी है, वो आती है मीडियम टाइप के बच्चों के लिए जिनकी IQ मीडियम होती है। अब वो ये सोचते हैं कि इतना मतलब ज़्यादा मार्क्स का ये टॉपिक है और टाइम भी ज़्यादा चाहिए और अपने पास टाइम है कम, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, विशेष रूप से वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें जो कि एनालिटिकल पैराग्राफ के प्रति बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम कैसे इसके मार्क्स ला पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है आखिर ये एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए देखो, एनालिटिकल का वैसे अगर हम अर्थ देखें तो वो होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना इसका अर्थ होता है। और इसका विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे जिसका अर्थ होता है एनालाइज, इसको कहते हैं हम एनालाइज। अब एनालाइज का यदि हम अर्थ लें तो स्टूडेंट्स वो होता है समझना, यानी किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से वर्णित करके, यानी उसका विश्लेषण करके उसे कैसे समझा जाता है। स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं कि कोई कोई बात ऐसी होती है जो हमें एक शब्द के रूप में समझ में नहीं आती है, हमें उस शब्द को खोल कर लिखना पड़ता है और वो शब्द खोलते ही हमें समझ में आ जाता है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो एनालाइज होता है, एनालाइज का मतलब होता है समझना या किसी भी चीज़ का वर्णन करके उसे अपने दिमाग में उतारना। तो स्टूडेंट्स, जो ये एनालाइज है इसी से मिलकर बना है एनालिटिकल पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये कोई टेबल हो सकता है, ये कोई पाई चार्ट हो सकता है, या ये कोई सिर्फ चार्ट हो सकता है, या हम इसे एक रिपोर्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन रूपों में ये होता है कि ये किसी एक विशेष स्थिति के बारे में हमें जानकारी देता है। मान लो हम ये कहें कि किसी मतलब किसी सन में किसी देश की जनसंख्या कितनी थी, आगे आगे वो कितनी बढ़ी कितनी घटी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी जगह की जनसंख्या किस सन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर किस सन में बहुत ज़्यादा घट गई, यानी मृत्यु दर और जन्म दर किस सन में घटी और बढ़ी, ये इन्हीं से संबंधित एनालिटिकल पैराग्राफ होता है जिसको हम टेबल के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, चार्ट के रूप में और रिपोर्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात आती है कि एनालिटिकल यानी एनालाइज का अर्थ क्या होता है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर इस पैराग्राफ को लिखने के लिए, इस एनालिटिकल पैराग्राफ को समझाने के लिए हमें किन किन टॉपिक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं जो ये पैराग्राफ जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इंट्रो की, इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आप तो ये जानते ही हैं कि कभी भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसको इंट्रो ही देते हैं अपना। इसी प्रकार से ये एनालिटिकल पैराग्राफ जिनके लिए नया है, इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका परिचय देना होगा। स्टूडेंट्स, इसका परिचय हम विभिन्न प्रकार से दे सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ और वो है इसकी बॉडी। स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी पार्ट है ये इसका बीच का जो मैटर होता है, यानी कि जो बीच का जो मैटर होता है जिसमें जो कुछ बताया जाता है वो हम इसे इसके रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट होता है इसका कंक्लूजन। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष,
ये जो निष्कर्ष होता है ये आपको भी पता है कि हम नॉर्मली जब RBSC 12th या 10th का कोई पैराग्राफ क्रिएट करते हैं तो उसमें भी कंक्लूजन आता है, और कंक्लूजन में हमें क्या लिखा जाता है कि कंक्लूजन में जो पूरा पैराग्राफ लिखा गया है उसमें क्या निष्कर्ष निकला है वो हम लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं इसका एक एक टॉपिक समझाते हुए। तो स्टूडेंट देखिए, इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमने मतलब जो टॉपिक लिया है एनालिटिकल पैराग्राफ का, वो एनालिटिकल पैराग्राफ किस संबंध में है, क्या जानकारी दे रहा है हमें। तो स्टूडेंट सबसे पहले मान लिया हमने किसी टेबल का एनालिटिकल पैराग्राफ बनाया है, तो हम यहां लिखेंगे टेबल गिवन अबव डिस्क्राइब्स। इस लाइन को शुरू करके हम आगे का टॉपिक लिखना शुरू करेंगे, यानी जिस टॉपिक के बारे में हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद हम उस टॉपिक को लिखेंगे। जैसे हमने सोचा क्यों ना चाइना की जो वो है पॉपुलेशन है, या ये कहें कि उसकी जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है वो किस सन में हाईएस्ट पहुंच गई और किस सन में बिल्कुल लोएस्ट आ गई, तो उसके लिए यदि हम सोचें कि उसका जो टाइटल है वो क्या दिया जाएगा, तो हम यहाँ यही लिखेंगे टेबल गिवन अबव डिस्क्राइब्स अबाउट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ चाइना इन पर ईयर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इसका जो है इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो लिखने के लिए हम जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स की केवल एक ही लाइन से शुरू करें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल सजेस्ट। अब ये जो हमने टेबल सजेस्ट लिखा, इसके आगे भी हम यही लिख सकते हैं कि इस टेबल में क्या सुझाव दिया गया है, हमको क्या समझाया गया है, वो सारी बातें इसी में लिखी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा इंट्रो, अब चलते हैं हम बॉडी की तरफ। स्टूडेंट्स बॉडी जो है इसकी, ये सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसी में इसका खुलासा किया जाता है कि इसमें क्या लिखा गया है। स्टूडेंट्स ये जो बॉडी पार्ट है, इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बॉडी पार्ट के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हम ले सकते हैं, वो हम आपको अब बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिया इसका बॉडी पार्ट, इसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं डिस्क्राइबिंग पैरा। पैरा का मतलब होता है पैराग्राफ, डिस्क्राइबिंग पैरा। अब ये डिस्क्राइबिंग पैरा जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हम इसमें क्या लिखें, कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम शुरू करेंगे तो हम कैसे शुरू करेंगे, स्टार्टिंग टू राइज या फिर डबल्ड या फिर डिक्लाइनिंग। देखिए स्टूडेंट्स कोई भी किसी भी टेबल के बारे में, किसी भी चार्ट के बारे में जब हम आपको जानकारी देंगे तो उसमें ये जो लाइन शुरू करनी है हमको इसी तरीके से शुरू करनी है। यदि उसमें बर्थ रेट या डेथ रेट एकदम इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे स्टार्टिंग टू राइज, कितना राइज हो रहा है वहाँ पे इतना लिखना शुरू करेंगे। अगर डबल हो रहा है वो, यानी डेथ रेट या फिर जो बर्थ रेट है वो डबल हो रही है, तो हम वहाँ पे डबल लिखेंगे, और यदि वो नीचे गिर रही है तो वहाँ पे हम डिक्लाइनिंग से शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो था इसका फर्स्ट टॉपिक। अब आ जाता है कंपैरिजन। ये जो कंपैरिजन है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना, और कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम तुलना करना, यानी कि तुलना करेंगे किसकी, कि जैसे हमने ये कहा कि 1942 में जो बर्थ रेट थी वो इतनी थी, इसकी तुलना में, यानी कि इसकी कंपेयर में 1944 में जो बर्थ रेट थी वो इतनी थी। तो इसको शुरू करने के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे सिमिलरली या फिर इन कंपैरिजन।
इस तरह से हम शुरू करेंगे। इन कंपैरिजन लिखने के बाद हम वो ईयर लिख देंगे जिस ईयर में इनकी कंपैरिजन यानी इनका कंपैरिजन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी के दो टॉपिक हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं के द्वारा हम इस जो पैराग्राफ है एनालिटिकल पैराग्राफ, वैसे भी मोस्टली ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 to 120 वर्ड्स में लिखा जाता है, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल हमें 100 to 120 वर्ड्स में ही लिखना होता है। तो आराम से जब हम इसको इतने पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका 100 to 120 के बजाय ये हो जाएगा लगभग 100 to 150 के। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष के लिए हम लास्ट में जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट। अब दैट के बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा, उस पूरे टॉपिक को लिखने के बाद हमें उसमें क्या समझ में आया है उसका कंक्लूजन हम इसमें लिखेंगे कि हमें उसका क्या समझ में आया है, आखिर उससे निष्कर्ष क्या निकला है, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ये सारे जब हम रीजन पढ़ते हुए जाएंगे तो उसका निष्कर्ष आराम से निकलेगा। स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम आपको एक एग्जांपल देके नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।